कि आप है ऑब्सिटी से खुशाम या हार्ट डिजीज का लग रहा है डर या डायबिटीज तो आजकल हर घर में है ही या फिर प्री मेंस्ट्रुएशन से डोंट केयर प्रॉब्लम डायरिया लीवर वेट लॉस ऑल ऑफ दिस इतनी सारी बीमारियों के कितनी सारी टेबलेट्स OMG ओ माय गॉड तो इससे अच्छा क्यों ना अपन नेचुरल तरीके से इसको कम कर ले चलिए आज मैं आपको एक सुपर नेचुरल फ्रूट बताती हूँ जिसमें है सुपर न्यूट्रिशंस एवरीथिंग दैट यू नीड एंड योर बॉडी नीडेड वेरी मच और सबसे बड़ी बात इम्यूनिटी इससे आपकी इम्यूनिटी होगी फुल जैसे अभी डिजीज चल रही कोरोना वायरस सो कोविड में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगा वो सुपर फूड सो बने रहिए मेरे साथ अगर मेरे वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को ताकि उसको भी उन सबको भी इनके बेनिफिट्स और सारे न्यूट्रिशंस पता चल सके और वो भी आपको थैंक यू कह सके सो आज हम जिस फ्रूट की बात कर रहे हैं सुपर नेचुरल फ्रूट है हमारा वो है रेड ग्रेप्स यस यू आर राइट आपने सही सुना रेड ग्रेप्स ये दिखने में तो रेड ग्रेप्स बिल्कुल सिंपल से लगते हैं छोटे से एज लाइक ग्रेप्स ही तो हैं इसमें क्या हो सकता है बट नहीं यू आर रॉन्ग इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन है फुलफिल करने के लिए आपकी बॉडी की नीड्स को हम बात कर रहे हैं ग्रेप्स की यस ग्रेप्स इसको हम शुगरी बेरीज भी बोलते हैं जैसे मैंने आपको बताया मिरेकल फूड है ये सुपर फूड है ये न्यूट्रिशन पावर हाउस है इसमें खूब सारे पावर है ये बड़े साइज में छोटे बड़े इसमें न्यूट्रिशन इनसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं साइज में छोटे हैं पर ये अपने हिसाब से बड़े हैं इनके साइज छोटे बड़े इनमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है अवेलेबिलिटी पे आते हैं सबसे पहले हम ये कब अवेलेबल होते हैं हमें ये हमें थ्रू आउट ईयर अवेलेबल होते हैं एवरी टाइम विंटर है समर है ऑटम है हर सीज़न में हमें अवेलेबल हो सकते हैं देखिए जैसे हम मेरे पास है ये इतने सारे पूरी लड़ी है मेरे पास इसकी जो मैं कल परचेज करके लाई हूँ तो ये ग्राउंड कहाँ पर होते हैं ये ग्रो होते हैं महाराष्ट्र नासिक और भी काफ़ी जगह ग्रो होते हैं अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की ये किस किस में यूज़ आते हैं सबसे पहले हम बात करें तो ये सलाद में यूज़ आ सकते हैं एज यूजली सलाद की ड्रेसिंग के लिए ऐसे सलाद खाने के लिए इसका कॉकटेल बना सकते हैं इसका जूस निकाल के आप इसमें सोडा लेमन नमक सॉल्ट वगैरह डाल के इसका पुदीना मिंट थोड़ा सा मिंट डाल के आप इसको बहुत अच्छा कॉकटेल बना सकते हैं डिज़र्ट ऑब्वियसली इसका बहुत अच्छा डिज़र्ट बनेगा क्योंकि खुद में स्वीटिंग फ्लेवर है इसलिए इसका डिज़र्ट भी अच्छा बनेगा स्नैक्स ये आप बिटवीन द मील जैसे आप लंच और डिनर के बीच का जो टाइमिंग होता है उसके स्नैक्स के रूप में भी ले सकते हैं आप इसको इसकी जेली बना सकते हैं जैसे आप बनाना जानते हैं नहीं जानते हो तो मुझे बताइए मैं आपको बिल्कुल बताऊँगी इसकी भी रेसिपी जेली बना सकते हैं प्रिजर्व कर सकते हैं आप इसको जैसे आप इसको तोड़ के वॉश करके फ्रीज़र में रख सकते हैं फ्रीज़र में रखने के बाद आप जब चाहे इसको यूज ले सकते हैं ड्राइड इसको ड्राइड कर सकते हैं सुखा के इसके जैसे किशमिश बनाते हैं अपन वो बना सकते हैं और चटनी इसकी चटनी भी बहुत अच्छी बनती है आप इसकी चटनी ट्राई ये देखिए बहुत ही बनती है सो हमने अभी इसको आपको फुल यूजेज भी बता दिए हैं स्नैक्स के तौर पर ले सकते हैं ड्राइड कर सकते हैं तो अब हम आते हैं इसके बेनिफिट्स पे जिसके क्या क्या बेनिफिट्स ओबेसिटी में यूज़ होते हैं मोटापा कम करने में काम आता है हार्ट डिजीज में डायबिटीज़ में कैंसर हाई ब्लड प्रेशर और कॉन्स्टिपेशन बिकॉज ऑफ इसमें वाटर और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है तो ये आप कॉन्स्टिपेशन में काम आते हैं आईज़ जिसके आई साइड बहुत वीक होती है उसका आई हेल्थ में काम आता है इम्यून सिस्टम ऑब्वियसली आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो आप सारी बीमारियों से आप अच्छे से लड़ पाओगे स्पेशली COVID-19 तो आपके इम्यून सिस्टम अच्छा करेगा ये वेट लॉस में हेल्प करेगा कोलेस्ट्रॉल जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है उसको मेंटेन करता है ऑब्वियसली प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम जिसको प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम उनके लिए बहुत यूजफुल है डायरिया लीवर फेलियर उन सब में बहुत काम आते हैं ये अब ऑब्वियसली आप इतनी सारी बीमारी की दवाइयाँ नहीं ले सकते तो इससे अच्छा नेचुरल पे जाएं डोजेस की ये एक इंसान को कितने खाने चाहिए इसे तो मैं आपको बताऊं तो इसको कम से कम आपको
आधे से एक कप खा सकते हैं नॉर्मली एक इंसान एक दिन में, तो आधे से एक कप सफिशेंट होगा नॉर्मल इंसान के लिए। हाँ, तो अब क्या क्या न्यूट्रिशन से इसमें है, प्रोटीन ऑब्वियसली जो सब चीज़ों के लिए अच्छा रहता है, फाइबर जो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा कॉन्स्टिपेशन के लिए, पोटेशियम आयरन मैग्नीशियम फॉस्फोरस जिंक विटामिन, इसके लिए आपको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है ऑब्वियसली, हार्ट में जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है उसको दूर करता है और बोन्स को बहुत हेल्दी बनाता है, विटामिन के विटामिन बी विटामिन ए एंड ऑब्वियसली खूब सारा वाटर, इसमें वाटर खूब सारा है क्योंकि तभी तो आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, है ना। जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट है एंड शुगर भी है, ऑब्वियसली ये स्वीट फ्लेवर का होता है तो इसमें शुगर भी होगी ही। सो हमने अभी तक इसके बात करी अवेलेबिलिटी की, ग्रोन की, यूजेस की, बेनिफिट्स, न्यूट्रिशन, डोजेज, परफेक्ट टाइमिंग क्या है इसको खाने का। सो आप इसको मॉर्निंग में खा सकते हैं, बिटवीन टू मील्स खा सकते हैं, और प्री वर्कआउट या आफ्टर वर्कआउट भी इसको खा सकते हैं बिकॉज ऑफ इसके एनर्जी देने से तो आपकी बॉडी रिफ्यूल हो जाएगी। जैसे आप जिम जाते हैं तो उससे पहले खा सकते हैं, उसके बाद भी खा सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज योगा कुछ भी कर रहे हैं तो उससे पहले और उसके बाद, ये आपका रिफ्यूलिंग का काम करेगा आपके बॉडी को। परचेज हम इसको कैसे परचेज करें, ऑब्वियसली आप इतना सारा देख के कंफ्यूज हो गए होंगे कि कैसे परचेज करके लाई हूँ मैं, तो मैं इसके ट्रिक आपको भी बताऊँगी। सो हम इसको कैसे परचेज करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये देखना है ये रेड रेड हो और ये ऑब्वियसली थोड़े वाइट होंगे ही, ओके। तो आपको ऐसे यूज लेने हैं, ऐसे देखिए ऐसा, और मैंने इधर ख़राब भी रख रखे हैं आपको दिखाने के लिए, आपको ऐसे नहीं लेने हैं, ये ख़राब हैं, मैं आपको दिखाने के लिए ले रही हूँ इसको भी, ये सारे ख़राब हैं, आपको ये नहीं लेने हैं, आपको लेने हैं ऐसे एकदम रेड टाइट, जिसकी स्किन थोड़ी टाइट हो, जो गली हुई ना हो, वाइट वाइट लगेंगे आपको बट मुझे होगी ऐसी एकदम टाइट होंगी, देखिए दबाने से एकदम टाइट लग रहे हैं, ये देखिए मेरे पास पूरा ब्रांच है इसका, सो टाइट टाइट देख के आपको रेड टाइट, ये देखिए ये सारे टाइट है रेड हैं, सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने बताया आपको इसके यूजेस, अब मैं इसको परफेक्ट यूजेस बताऊँगी कि आपको यूज़ कैसे करना है इसे, हाउ टू यूज़, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो भी है आपको इसे तोड़ना है, जो भी आप इसको यूज़ लेना चाहें आप इसको तोड़ लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे तीन तोड़े हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेना है, आपको इसके अंदर पहले सबसे अच्छे तरह से इसको धोना है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि इसके ऊपर जो वाइट कोटिंग होती है आपको वो उतारनी है, ओके। जब इतने अच्छे से धुल जाए तो एक ही लेना है नाइफ एंड प्लेट, इसको बीच में से काटना है और बीच में से काटिए, और इसके जो सीड्स हैं देखिए मैं आपको सीड्स दिखाती हूँ, इसके ये जो सीड्स हैं वो आपको निकालने हैं इसके, ताकि ये बहुत नुकसान करते हैं आपको, आपके गले में भी फंस सकते हैं, बाकी आपको बहुत ज़्यादा गर्मी करेंगे नहीं तो, इसलिए आप ऐसे काट के इसको क्लीन कर सकते हैं, ये देखिए। तो किसी को भी सर्व या खाने से पहले से क्लीन करना ही होगा, देख तो ऐसे आपको इसे यूज़ करना है, आप इसे एज दिस वन ड्रेसिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने इसका एक और वीडियो डाल रखा है इसकी अमेजिंग कटिंग का, तो आप वो भी देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस में डाला हुआ है मैंने उसे, तो उसे भी जाके आप देख सकते हैं। सारा काट दिया है, आप इसको खा सकते हैं सीधे से, देखिए इससे ये साफ भी हो गया धुलने से, ठीक है। तो आपको ऐसे ही खाना है, इसे परफेक्ट खाने का स्टाइल यही होता है, इसको साफ करें धोएं फिर आप इसको खा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको इसका, अब हम बात करते हैं इसकी स्टोरेज की, ओके। अब तक हमने सब कुछ इसका डिस्कस कर लिया, अब इसकी स्टोरेज की बात करते हैं कि इसको स्टोर कैसे करें, ऑब्वियसली ये ग्रेप्स हैं तो बहुत ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं, फिर भी मैं आपको कुछ ट्रिक बता दूँगी तो जिससे वो चल जाएगी। सबसे पहले तो इसको आपको ज़्यादा दिन तो रखना ही नहीं होता है, जहाँ तक वो इसको दो दिन में कंज्यूम कर लें, बट अगर नहीं हो पाता है तो आप इसको एयर टाइट पॉली में डाल के या जिप लॉक पॉली में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, ओके। या फिर आप इसको
फ्रीजर में भी रख सकते हैं, बट मेक श्योर ये अनवॉश्ड हो, बिना धुले हुए हो। अगर आपने इसको धो लिया तो ये खराब हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी ये खराब होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इनके ऊपर की कोटिंग हट जाएगी। दैट्स व्हाई ऊपर की कोटिंग की वजह से ये जल्दी ख़राब नहीं होते। ये दिखने में तो अच्छी नहीं लगती कोटिंग, बट धुलने के बाद ये साफ़ हो जाती है, और आपको धो के ही उसमें लेना है इसे। सो आपको जो ब्लॉक में करके आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, अगर 2-3 दिन चलाने हैं तो 3-5 दिन चल जाएंगे फ्रिज में, बट अगर आपको इसे 3-5 महीने चलाना है तो आप क्या करेंगे, आप उसे तोड़ के फ्रीजर में रख सकते हैं। तो फ्रीजर में रखने के बाद आप इसको समर में एज अ स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं, गर्मी में ठंडे ठंडा फ्रूट मिल जाए तो वो क्या चाहिए आपको, है ना, गर्मी में ठंडा फ्रूट, वाह दैट्स गुड वन। तो हमने इसकी स्टोरेज भी आपको बता दिया है, अब इसे जो ऑब्वियसली मैं हर वीडियो में बताती हूँ अति हर चीज़ की बुरी है, तो ज़्यादा आप खा लेंगे तो आपको क्या होगा इससे, तो आपका पेट थोड़ा अपसेट हो सकता है इसको ज़्यादा खाने से, इंडाइजेशन जैसे हो सकता है, वॉमिट हो सकती है, जी घबराना, थोड़ा कफ हो सकता है, या सर में दर्द भी हो सकता है, और अगर आप एलर्जिक हैं तो प्लीज़ इसको आप कंसल्ट करके ही खाएँ। सो आज हमने सारी चीज़ें बात कर ली है, इसके हमने अवेलेबिलिटी, रूम, टाइम, इसको यूज़ कैसे करना है, इसके यूजेस क्या क्या हैं, डोजेस, बेनिफिट्स, न्यूट्रिशन, परचेज, स्टोर्स, और ऑब्वियसली प्रिकॉशंस। तो दिया, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ।